तो हाय दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पे। मेरा नाम है कृषि और आप देख रहे हैं कृषि में यूट्यूब चैनल। आप समझ लीजिए आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम साइकिल का बैक का इंडिकेटर बनाने वाले हैं और हमारे चैनल पे ऐसे में क्लियर वीडियो आता रहता है। आपको पसंद है ऐसे में क्लियर वीडियो किस बात की रही है, तो चलिए देख लेते हैं साइकिल का ये बैक वाला इंडिकेटर कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको ऐसा एक पीवीसी पाइप ले लेना है, जिसका शीट बना लेना है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे दिया हुआ है। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसी शीट बनाने के बाद कैसे आपको मार्किंग कर लेना, आप देख सकते हो। इसको मैं 1 सेंटीमीटर चौड़ा लिया हुआ हूँ, मतलब 1 सेंटीमीटर इसका मोटाई होने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हो पीवीसी पाइप 1 सेंटीमीटर नहीं, मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ वहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। तो यहाँ पर आपको इसको कट कर लेना है, आप देख सकते हो कैसे। इसे नॉर्मल आप कोई भी सीजर से कट कर सकते हो, पीवीसी पाइप बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हो पीवीसी पाइप का मैंने थोड़ा सा शीट जो बना था उसके ऐसे टुकड़ा कट कर लिया है, आप देख सकते हो मेरे हाथ में। इनको कैसे लगाना है देख लो ना। तो यहाँ पर देख सकते हो पीवीसी पाइप का शीट या मतलब जो टुकड़ा है उनको मैं ऐसे लग रहा हूँ। अच्छी तरीके से वीडियो में ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर दीवार बना रहा हूँ, ठीक है, पीवीसी पाइप से दीवार बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं जो भी कनेक्शन करने वाला हूँ सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुरकुरे का पैकेट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो इस बात पर लाइक ज़रूर कर देना। और कुरकुरे का पैकेट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कोई ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो ऐसे चिकना चिकना पार्ट होता है इसको आपको ऐसे अंदर लगाना है, और अंदर लगाने के बाद आप कोई भी ग्लू से इसको अंदर फिक्स कर देना। आप देख सकते हो ऐसे ग्लू इसको आप करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इसके लावा भी मैंने टेस्ट किया था, अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा था, आपको मैं टेस्टिंग करके आपको बताता हूँ। तो आपको ये वाला काम ज़रूर करना है वीडियो में, ठीक है, इसमें आप ये वाला काम ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये भी ये काम भी आपको ज़रूर करना है। यहाँ पर देखिए लाइट का जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर आपको होल कर देना है, और ये पीवीसी पाइप है आराम से आपको सोल्डिंग आयरन तो होल हो जाएगा। सोल्डिंग आयरन का वीडियो हमारे चैनल पे दिया हुआ है, नहीं देखे हुए तो आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, शायद नीचे डिस्क्रिप्शन में तो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो इंडिकेटर लाइट है एक तैयार हो चुका है, ऐसे आपको दो तैयार करना है। तो देख सकते हो एक नॉर्मल सा पेपर मैंने यूज़ कर रहा हूँ, जो नॉर्मल सा A4 साइज़ पेपर है। अब थोड़ा सा दूसरा कोई पेपर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो एरो है वहाँ पर आपको ऐसे ग्लू लगा देना है। यहाँ पर मैं ग्लू के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फेविकॉल, क्योंकि ये ग्लू मुझे बहुत पसंद है, क्यों मुझे नहीं पता है। बट आपको सब्सक्राइब करना नहीं पसंद है बट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे वीडियो बहुत ही जल्दी जल्दी आ रहा है। आप 2-3 दिन से हमको देख रहे हो तो आप शायद जानते हो, ठीक है। सो एक न्यू वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इस लाइट को आपको ऐसे शीट मतलब जो कागज़ है उसके ऊपर आपको सिंपली ऐसे रख देना है और ये चिपक जाएगा, ठीक है। और नीचे सब्सक्राइब बटन पे आप उंगली रख देना, वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और लाइक भी कर देना, लाइक पे भी उंगली रख देना, लाइक भी हो जाएगा। इस लाइट को मैं थोड़ा सा आपको जला के दिखाता हूँ कैसा इसको दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइट को थोड़ा सा आपको लाइट में नहीं दिख रहा है, मैं लाइट को थोड़ा सा ऑफ करके भी आपको दिखाऊंगा। इस बात पे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कमेंट सेक्शन में आपको 100% रिप्लाई दूंगा। कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है वहाँ पर बता दो। तो चलिए लाइट को ऑफ कर लेते हैं। तो देख सकते हो लाइट ऑफ करने के बाद ऐसा कुछ दिखता है, और आप रास्ते में जब जाओगे आपका पीछे से ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। सो ऐसे आपको 2 पीस बना लेना है, उसके बाद आपको जो जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसको आपको जो साइड वाला कागज है उसको कट कर देना है। कैसे कट करना है आप देख सकते हो, ऐसे आपको कट कर लेना है, थोड़ा सा वेट कर लेना हमारा जो ग्लू है वो थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद उसको ऐसे कट कर लेना। बहुत ईजी काम है, आप बहुत ही आसानी से घर पर कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो दोनों साइड में मैं ग्लू लगा रहा हूँ, और ये सुपर ग्लू है। और यहाँ पर मैंने एमडीएफ बोर्ड लिया हुआ, कोई भी आइसक्रीम का स्टिक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 बना चुका हूँ, आपको भी आप जानते हो आपको 2 ही बना लेना है। आप उसको साइकिल के पीछे लगा सकते हो, सामने लगा सकते हो, मैं पीछे लगा के आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पर कनेक्शन में आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जैसे कनेक्शन बताते हो 10 मिनट के ऊपर हो जाता है वीडियो। सो कनेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उस डायग्राम का देख लेना, डिस्क्रिप्शन में एक डायग्राम आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और जो जो पार्ट यूज़ करना है तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लाइट को पीछे सेट कर लिया है, उसके पीछे हमारा बैटरी का सेट कर लिया है, जो कि हमारा एक लेड एसिड बैटरी, ये एक 4 वोल्ट का लेड एसिड बैटरी, आपको दूसरा लिखा हुआ बैटरी है तो अच्छी बात है। आप देख सकते हो वायर को मैंने कैसे लिया है, और यहाँ पर मैंने सामने यहाँ पर 3 पिन स्विच यूज किया, क्योंकि स्विच को मैं जब राइट साइड करूँगा तो राइट वाला लाइट चलेगा, जो
साइड चेंज कर लो, एक वाला लाइट चलेगा जब मिडिल में आएगा तब कोई भी लाइट नहीं जलने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका टेस्टिंग। पहले मैं बैठ गया भाई, स्विच लगाया हुआ हूँ, मेरी मर्जी आप ही लगा सकते हो, देख सकते हो ये राइट लेफ्ट, आप आपके मर्जी, आप स्विच से इसको ब्लिंक करवा सकते हो, इसको नॉर्मल जला सकते हो, आपकी मर्जी इधर उधर कर सकते हो। देख सकते हो मैं एक लाइट को लगातार ब्लिंक भी करवा सकता हूँ, तो देखो मैं एक लाइट को बार बार ब्लिंक कर रहा हूँ लगातार। तो वीडियो अगर चलो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साइकिल रिलेटेड और भी वीडियो लाओ क्या नहीं ये ज़रूर बता देना, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दो, मैं 100% आपको रिप्लाई दे दूँगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, इंस्टाग्राम पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए कहीं बाय दोस्तों, सब्सक्राइब मत करके मत जाना, क्योंकि आप लोगों से बहुत सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक भी जरूर कर देना। तो बाय। तो दोस्तों आपने देख लिया इस स्टिकर का कैसे बनाया गया है, इसका मेकिंग, टेस्टिंग सब कुछ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना इस साइकिल का इंडिकेटर को कैसा लगा, और साइकिल रिलेटेड नेक्स्ट में वीडियो लाओ या नहीं लाओगा तो किस टॉपिक पर लाओ तो ज़रूर बताना। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोगों से बहुत अंदर सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्यों मुझे नहीं पता, बट आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय।